Каждый раз я вспоминаю детство, помню наше место. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे सामने MT-15 वर्जन 2 जो कि न्यूली लॉन्च है, और इसके कुछ चेंजेस जो कि वर्जन 2 में हुए हैं वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बने रहिए सारी चेंजेस जानने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट में हेडलाइट और बाकी सब में कोई चेंज नहीं है। फ्रंट में सबसे बड़ा चेंज है ये फोक्स का, जो कि USD फोक्स आए हैं गोल्डन कलर में, जो कि काफ़ी सही लगते हैं। और बाकी की बात करी है तो फ्रंट में ये मडगार्ड जो कि FZ25 की तरीके दे दिया गया है, और इसमें आगे कोई चेंज नहीं है। बाकी ये तो मेन चेंजेस हैं, बाकी कलर स्कीम चेंज हुई है थोड़ी सी, बाकी पूरी तरह से चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। और दूसरा चेंज ये है कि जो इसमें ये जो स्विंग आर्म आता था ये R15M वाला आ गया है, R15V4 वाला, पहले दूसरी तरह से आता था। बाकी पीछे से सेम है, पीछे से कोई चेंज नहीं हुआ है। सो ये चेंजेस थे। बाकी मीटर कंसोल की बात करी जाए तो मीटर कंसोल सेम है जैसे पहले आता था ये। अभी इस कलर की बात करें तो ये कलर है आइस फ्लू, और आगे कुछ अजीब सा नाम है वो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो आइस फ्लू मेन कलर नाम है इस कलर का। बाकी अब अगर कलर स्कीम की बात करी जाए तो कलर स्कीम काफ़ी अच्छी लग रही। पहले ये MT का ये लोगो यहाँ पे देते थे टैंक के ऊपर, अभी इधर दे दिया गया है, ये चेंज है। और बाकी बात करी जाए इंजन स्पेसिफिकेशंस की तो इंजन स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ना पावर में कोई चेंज है और ना इंजन डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज है। 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन है जो कि जनरेट करता है पावर 18.14 BHP का एट 10,000 RPM, और 14. कुछ न्यूटन मीटर का टॉर्क जो कि आता है 7,500 RPM पे। सो इंजन में कोई चेंज नहीं है। बाकी फ्रंट से बात करी जाए तो फ्रंट वाला लुक ये रहा कुछ ऐसे जैसे पहले आता था, सेम वही है। ये दो पायलट लैंप्स जो कि काफ़ी खूबसूरत लगते हैं रात में दिन में। बाकी एक छोटा सा प्रोजेक्टर जो कि R15M में आता है V4 में, और इसमें भी पहले आता था, अभी भी वही आ रहा है। इसकी विजिबिलिटी ठीक ठाक है, बाकी रोड प्रेजेंस आपको देखने में काफ़ी अच्छा लगता है ये। बाकी इंडिकेटर्स हेलोजन में आते हैं जो पहले भी आते थे वैसे ही। ये रहा इसका हॉर्न। बाकी पीछे साइड बात करी जाए तो ये इसका टेल लैंप है जो काफ़ी सही दिखता है। बाकी ये टेल टाइडी निकालने के बाद, टेल टाइडी काफ़ी लंबी है इसकी जो कि मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, बाकी इसको निकाल देते हैं तो काफ़ी शार्प लगती है। बाकी एग्जॉस्ट उसका सेम है जैसे पहले आता था, क्योंकि इंजन सेम है वही R15 वाला। बाकी स्विच गियर्स की क्वालिटी, स्विच गियर्स में कोई चेंज नहीं है, जैसे पहले आते थे वैसे अब भी आते हैं। इसमें कोई हैजार्ड का स्विच नहीं दिया गया है जो कि एक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा कि वर्जन 2 दे रहे हो और हैजार्ड का स्विच नहीं है। बाकी ये चीज़ें हैं। और इधर बात करते हैं अभी अगर टायर्स की, तो फ्रंट में टायर दिया गया है 100x80 सेक्शन का 17 इंच का, जो कि काफ़ी वाइड है, और रेड अलॉयज दिए गए हैं इस कलर में। ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, गोल्डन फिर रेड, ये बहुत सही लग रहा है। और पीछे वाले टायर की बात करी जाए तो 140x70 का टायर है पीछे का, ये भी काफ़ी वाइड है और सिंगल चैनल ABS के साथ आती है, डुअल चैनल ABS नहीं है। बाकी टायर काफ़ी वाइड है जो कि काफ़ी अच्छी ग्रिप और स्टेबिलिटी और हाई स्पीड्स प्रोवाइड करता है। बाकी अभी अगर टैंक की बात करी है तो टैंक इसका 10 लीटर का है, टैंक काफ़ी छोटा है। एक ओवरऑल अगर बाइक देखें तो बाइक ही काफ़ी कॉम्पैक्ट है, इस वजह से इसका टैंक भी काफ़ी छोटा है। तो टैंक 10 लीटर का है, फ्यूल एफिशिएंसी इसकी काफ़ी अच्छी है जो कि माइलेज दे देती है 40-45 का सिटी में, हाईवेज पे ऑलमोस्ट सेम रहता है इसका माइलेज। तो फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है, माइलेज इसका काफ़ी अच्छा है क्योंकि A1 55 cc का इंजन है, उस हिसाब से काफ़ी सही है। बाकी यहाँ MT का एक लोगो दिया गया है, दैट्स इट। अभी बात करें इसके गियर बॉक्स की तो 6-speed गियर बॉक्स आता है, और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 143 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है इसका, जो काफ़ी सही है, उतना नीचे भी नहीं है उतना ऊपर भी नहीं है, हाई स्पीड पे स्टेबल भी रखता है बाइक को। बाकी अभी बात करें अगर इसके एग्जॉस्ट साउंड की तो अभी गाड़ी न्यूट्रल है, करते हैं गाड़ी को ऑन और स्टार्ट करके देखते हैं।
सो ये इसका एग्जॉस्ट साउंड जो कि काफ़ी सही है, मतलब ठीक लगता है मुझे यामाहा में। बाकी किसी का एग्जॉस्ट साउंड इतना बढ़िया नहीं लगता जितना FZ25 का है। बाकी ये साइड कट ऑफ साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर नहीं है इसमें, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा। बाकी इंडिकेट करता है मीटर पे कि साइड स्टैंड ऑन है, मतलब लगा हुआ है ये चीज़ है। बाकी स्विंग आर्म काफ़ी मस्कुलर लग रहा है ये नया वाला। और बाइक के कार वेट की बात करी जाए तो 149 kg की है बाइक पूरी अनलोडेड, सो काफ़ी हल्की है, उसी हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस भी है। और इंजन काफ़ी रिफाइंड है क्योंकि जस्ट यामाहा थिंग्स, सो इंजन काफ़ी रिफाइंड है इसका। बाकी थ्रोटल वायर्स की बात करी जाए तो यहाँ 2 थ्रोटल वायर्स आती हैं जो कि काफ़ी क्विक रिस्पॉन्स करती हैं। और आई थिंक इसमें कुछ नया तो है नहीं, जितना चेंजेस था वो मैं बता चुका हूँ। बाकी डिस्क ब्रेक की बात करी जाए तो डिस्क ब्रेक आगे वाले का साइज़ है 282 mm का, बाकी पीछे वाले का साइज़ है 220 mm का, जो कि ABS नहीं है। आप रिंग देख सकते हो, इस पर रिंग नहीं लगी है, बाकी इस पर रिंग है ABS वाली, सो सिंगल चैनल ABS। बाकी कैलिपर्स आते हैं वाइब्री के, सो दैट्स गुड। और ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है यामाहा की, सो ये चीज़ है। बाकी मुझे सबसे बेस्ट चीज़ लगी इसके USD फोक्स भाई, लुक बहुत अच्छा इसका, लुक इसका इतना इन्हेंस कर दिया है इन फोक्स ने गोल्डन कलर में। और ये कलर जो कि न्यू कलर स्कीम आई है इसका, ये वाला कलर और एक आता है ब्लू कलर में आया जो कि यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, जब होगा तो दिखाऊंगा। वो दो, ये वाला और वो वाला कलर मेरे को दोनों बहुत बेस्ट लगते हैं। बाकी एक डाउनफॉल मुझे लगता है कि इसकी MT-15 की सीट ऑलमोस्ट शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है यार। यहाँ देखो, यहाँ तक तो पिलियन नहीं बैठेगा, क्या सीट है भाई पीछे, और कुशनिंग तो बिल्कुल नहीं है, मतलब ये डाउनफॉल लगता है। बाकी सब बहुत बेस्ट है ये गाड़ी, मुझे मतलब हर एक चीज़ में सही लगती है, पावर परफॉर्मेंस और एक्सीलरेशन टॉप एंड सब में अच्छी लगती है। बस यही है ना, थोड़ा सा सीट क्या कहें अब, जो भी है, खैर ये रहा इसकी हेडलाइट वगैरह। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। और अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो फॉलो भी कर लेना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आते रहेंगे। टिल देन, राइड हार्ड, राइड सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।